नमस्कार। आज हमारे साथ एक विशेष साक्षात्कार के लिए मौजूद है शंकराचार्य गोवर्धन पीठ स्वामी अध्यक्षनंद देवतीर्थ जी, और अब हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और वो जो असम में पिछले कई दिनों से जो उनका दौरा चल रहा है, उन्होंने क्या यहाँ पे किया है, उसके बारे में पूरा जानेंगे। पहला सवाल स्वामी जी आपसे मेरा ये रहेगा कि आप पूर्वोत्तर में आए हैं, असम में आए हैं। पूर्वोत्तर में हम आपसे जानेंगे कि सनातन जो सभ्यता है और पूर्वोत्तर का एक जो रिश्ता है, वो आप कैसे देखते हैं स्वामी जी? पहले मैं ये बता दूं, भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा जो चार मठ स्थापित किए गए हैं, उसमें जो पूरब दिशा का मठ गोवर्धन मठ है, उसका धर्म रक्षा का जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर, उसी के अधीन है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य और भूटान, बांग्लादेश, यहाँ सनातन धर्म की रक्षा करना और उसको विस्तार करना, ये गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य का जिम्मेदारी है, जो आदि शंकराचार्य ने दिया है। इसलिए गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं हम, और हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ सनातन धर्म की रक्षा हो, विस्तार हो, खासकर जो युवा पीढ़ी है उनमें संस्कार आएं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, देवी देवताओं का सम्मान करें, और उसका अनुकरण जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो करें। उत्तर पूर्व में 8 राज्यों में ईसाई डोमिनेटेड राज्यज हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो वहाँ पे एक बार बार हम एक विवाद देखते रहते हैं गौ को लेके। एक तरफ जब हिंदू सभ्यता कहती है कि गौ का संरक्षण होना चाहिए, गौशाला बनाना चाहिए, गौ हमारी माता है, और असम में भी हम देखते हैं बिहू मनाया जाता है, गौ बिहू मनाया जाता है, और आप भी, आपके भी हमने देखा, आपने भी बहुत सारे कार्य किए हैं गौ संरक्षण के लिए। आपके यहाँ पे फ़ोटो भी हमने देखा योग्य में कि गौ के फ़ोटोज़ आप लगाए हैं, आपने कितना किया है। तो ये जो एक टॉपिक है बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी हमने देखा हाल ही में कि कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उत्तर पूर्व में, जिन्होंने ये बयान दिया है कि गौ हम मांस जो है हम खाते हैं, और हम कोई भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई अगर गौ को हमारे माता कहेंगे, क्योंकि हम वो कंसिडर नहीं करते, हमारे रिलीजन में वो कहा नहीं है। तो ये जो विवाद है उत्तर पूर्व में, ज़्यादातर इस विवाद को देखा जाता है, और दक्षिण भारत में भी देखा जाता है, तो इस विवाद को आप कैसे देखते हैं, और इसको इसका आपका आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगा कि कैसे एक डायलॉग किया जा सके ताकि ऐसे तरह के विवाद जो है उत्तर पूर्व में ना हो? ये सारी समस्याओं की एक ही जड़ है और एक ही जवाब है। पान क्यों सड़ जाता है, घोड़ा क्यों अटक जाता है, रोटी क्यों जल जाती है, इसका जवाब एक ही है कि उसको बार बार अभ्यास नहीं कराया गया। जो पुराने समय में रोटी चूल्हे में पकाते हैं उसको बार बार घुमाना पड़ता है, घुमाएंगे नहीं तो जल जाएगी। पान जो रखते हैं, पान पत्ता, बार बार उसको इधर का उधर पलटेंगे नहीं, वो सड़ जाएगा। घोड़े को अभ्यास नहीं रोज कराएंगे तो अटक जाएगा, चल नहीं पाएगा। घोड़ा मतलब ये एक फौज का पार्ट है, घोड़ा ये जो आम जनमानस है, ये हमारी धार्मिक फौज है। हम जितना ज़्यादा इनके साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा इनको समय देंगे, वो लोग पूरे पक्के रहेंगे अपने धर्म अनुष्ठान के लिए, विधि विधान के लिए। पर यदि हम उनको फ्री छोड़ देंगे तो फिर वो अभ्यास से हट जाएंगे और तरह तरह की विसंगतियों में पड़ जाएंगे। यदि कोई गो मांस खाने लगा है भारत भूमि के अंदर, उसको नाम हम कुछ भी दें कि वो ईसाई बन गया कि मुसलमान बन गया, ऐसा नहीं है। भारत में जो रह रहे हैं वो सब आर्यावर्त के वासी हैं, संस्कार उनके अंदर है। यदि उन्हें सिखाया नहीं गया, उन्हें जानकारी ही नहीं दी गई और वो रास्ता भटक रहे हैं, इसमें मैं उनको दोषी नहीं मानता। हमें पहले उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, और मेरा विश्वास है कि वो स्वतः ही ये जो बुराइयाँ हैं इससे विलग हो जाएंगे और अपने आप को धर्म के सही रास्ते पर ला देंगे। किसी एक व्यक्ति जिसने गो भोग किया है, क्या उसका घर वापसी पॉसिबल है हमारे अभी धर्म में, कि अगर वो माने कि उसने गलती किया है और वो वापस आना चाहते हैं? क्योंकि घर वापसी हम देखते रहते हैं, बहुत सारे कैंपेन होते हैं उत्तर पूर्व में, घर वापसी होता है, तो आप क्या स्वीकार करेंगे ऐसे लोग? भगवान श्री राम ने कहा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते,
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। संसार का कोई भी प्राणी और कितना भी बड़ा पाप कर्म कर चुका हो, यदि वो पूरे मन से मेरे सामने आके शरणागति स्वीकार कर लेता है तो मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ, उसको अभयता देता हूँ, सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो जो लोग भूल बस अज्ञान बस इस तरह के कार्य में लिप्त हैं या हुए हैं, उनको ज्ञान हो जाए और वापस भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें, धर्मानुशासन मानने को अपने आप को तैयार कर लें, तो उनको उन सब पापों से मुक्ति दे दी जाती है। ठीक है, आपसे आखिरी प्रश्न ये पूछेंगे, असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्व शर्मा, जो अभी उनको बहुत लोग हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है उनको, वो दो तीन ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि उनका ये कहना है कि असम में जिन जिन इलाकों में हिंदू संख्या में कम है, माइनॉरिटी बन गए हैं, जैसे कि बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट हुआ और अन्य कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, उनको संरक्षण देना चाहिए, उनको उन्होंने ये भी कहा है उन्होंने कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी, उनके लीडर को कहा है कि हमारे हिंदू भाइयों को आप प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि असम में लगातार इंडिपेंडेंस के टाइम से आ रहा है कि बहुत सारे जगहों पे हिंदू माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। तो ये जो उन्होंने जो कदम उठाए हैं और दो तीन कदम उठाए जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील किया गया है उन्होंने, और जो जनजातीय के ज़मीन पे ट्राइबल ज़मीन में जो बेदखलकारी लोग रह रहे उनको भी उन्होंने जो वहाँ से हटा दिया है, तो ये सब जो उन्होंने ये जो कदम उठाए हैं उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा कि ये हमारे सभ्यता को आगे ले जाएगा और सुरक्षित करेगा? उनको हिंदू हृदय सम्राट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके कार्य और नीतियों ने हिंदुओं के हृदय को जीत लिया है, और निश्चित तौर से उनकी ये जनहितकारी धर्मरक्षक जो नीतियाँ हैं वो राज्य को बहुत ऊंचाई मिले जाएंगी और देश को भी इसका बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य देखने का मौका मिलेगा उनके नीति और नियति के कारण। राज्य के अंदर जो अवैधानिक गतिविधियां हैं, जो संविधान में भी निरुद्ध हैं और धर्म में भी निरुद्ध हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और देश के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति ना घुसपैठ करे और ना यहाँ रहे, ये सुनिश्चित करना एक अच्छे शासक की जिम्मेदारी है, जो हमारा असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी कर रहे हैं अच्छे से। तो ये थे शंकराचार्य गोवर्धन पीठ स्वामी अध्यक्षनाथ देवतीर्थ जी और हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारे बातें की, और उनका ये मानना है कि उत्तर पूर्व में जो है बहुत अभी भी काम बाकी है ताकि सारे जनजाति लोगों को मिलकर हिंदू सभ्यता को और आगे किया जा सके। निशांत बोरा के साथ मैं निबीर डेका, न्यूज़ एक्स के लिए।